हेलो माय डियर फ्रेंड्स बीपीएससी पी फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल पीएमडब्ल्यू बीपीएससी पॉसिबली आई एम प्रेम कुमार देखिए दोस्तों हम लोग नोट्स के थ्रू बिहार स्पेशल डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा हिस्ट्री डिस्कस कर लिया है बिहार का उसके बाद हम लोग पॉलिटिक कर रहे हैं उसी तरह से आपको हम लोग इकोनॉमी और जो स्टेटिक पोर्सन है बजट सर्वे का तो वीडियो डाल दिया गया है और जियोग्राफी को भी हम लोग कराएंगे ठीक है उसके साथ साथ आप लोग ये नहीं देखे हों आपको घटना चक्र पी वाई क्यू तो देख सकते हैं बीपीएससी के लिए और ऑल स्टेट पी वाला भी हम लोग करा रहे हैं करंट पर रिड्यूटेरिया का भी चल रहा है आपको बिहार स्पेशल आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट आपका बना हुआ है दोस्तों हाई दृष्टि करंट पर भी हम लोगों ने घटनाचक्र करा दिया है देख सकते हैं दोस्तों ज्योग्राफी का हम लोग इस तरह से कराएंगे आपको पूरा मैप वगैरह के साथ ठीक है चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं देखिए पॉलिटी ऑफ बिहार में सबसे मेन क्या चीज़ें कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें डिस्कस करनी है जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जैसे बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये सब हम लोग ओवरव्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट वे में एक सरसरी निगाह से आप देख लेंगे ठीक है लेजिस्लेचर जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि जो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं उसको देखते हैं जैसे आप लोकसभा राज्यसभा देखते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उस तरह से यहाँ पे विधानसभा होता है और काउंसिल यानी विधान परिषद होता है भी स्टेट में इससे कंपेरिजन कर सकते हैं फिर एग्जीक्यूटिव जैसे कि आप मान लीजिए गवर्नर हैं सी एम है कुछ ऑफिसर लोग हैं ठीक है उनका देखेंगे और जुडिशियरी में देखेंगे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्राम कचहरी को वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बॉडीज़ हैं ठीक है पोस्ट है जैसे पी का आप देख सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वीमन का ये सब रहता है एक्सेट्रा देखेंगे लोकल गवर्नमेंट्स में पंचायती राज इलेक्शन आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ ठीक है ये सब देखेंगे और कुछ करंट के चीज़ें जैसे स्कीम चल रहा है पॉलिसी चल रहा है ठीक है सात नीचे टू चल रहा है कास्ट सेंसस हुआ ये सब को रिलेट करते चल रहा है ठीक है मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हुआ या पंचायत के इलेक्शन हुआ वो सबक आपको ध्यान रखना है एक साल के अंदर का कर जो है जैसे बिहार स्पेशल कैटेगरी में आ रहा था वो सबको भी इसमें आप लोग ऑन कर सकते हैं इसमें इंटर रिलेट कर सकते हैं तो दोस्तों पहला टॉपिक हम लोग का है कि किस तरह से बिहार का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है आप देखिए तीन चार डेट है आपको ये ध्यान में रखना होगा एक है कि 12 दिसंबर 1911 ठीक है उसके बाद 22 मार्च 1912 फिर एक अप्रैल 1912 ये आप 12 का ही हैं बस 22 मार्च और 1 अप्रैल का यहाँ पे अंतर है 1 अप्रैल उन्नीस सौ ये अप्रैल नहीं है लेकिन उन्नीस सौ छत्तीस है और ये 15 नवंबर 2000 कैसे याद करना इसको मैं बताता हूँ देखिए ये जो है आपको 22 मार्च को ना आपको बिहार दिवस हम लोग मिलते हैं कौन सा बिहार दिवस क्योंकि देखिए बारह दिसंबर उन्नीस को जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें घोषणा हुआ कि बिहार को अलग किया जाएगा ये घोषणा हुआ लेकिन बाईस मार्च उन्नीस को ये फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है कि बिहार को एक अलग सा प्रोविंस बनाया जाएगा जिसमें कि आपको उस समय उड़ीसा और झारखंड सभी थे और एक अप्रैल उन्नीस को ये लागू हो जाता है ठीक है और एक अप्रैल उन्नीस सौ छत्तीस को उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से कौन सा उड़ीसा और पंद्रह नवंबर दो हज़ार को जाकर ये देखिएगा आपको झारखंड अलग होता है ठीक है आप बताइएगा सबसे लेटेस्ट अलग होने वाला तेलंगाना है क्या ये बताइए और जम्मू एंड कश्मीर का आपको जो है कब ये यूनियन टेरिटरी बने था दो में बताइए डेट ठीक है और उसके बाद हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे अपने जो ओवरव्यू था उससे ठीक है तो तो बिहार को एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाएंगे ये बंगाल दिल्ली दरबार में हुआ बारह दिसंबर उन्नीस सौ ग्यारह को जॉर्ज पंचम उस समय राजा थे अंग्रेजों के ब्रिटेन के और फॉर्मल डिक्लेरेशन बाईस मार्च को होता है इसलिए हम लोग बिहार दिवस बाईस मार्च को ही मनाते हैं ठीक है और यहाँ पे ये इसका इम्प्लीमेंटेशन एक अप्रैल को होता है उन्नीस सौ बारह में एक अप्रैल को इम्प्लीमेंटेशन होता है और उन्नीस सौ छत्तीस में जाकर ना उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है ठीक है एक अप्रैल को और यहाँ पे दूसरा डिवीजन बिहार का होता है जब पंद्रह नवंबर दो हज़ार को बिरसा दिवस उस दिन मनाते हैं हम लोग पंद्रह नवंबर को अंतरजातीय गौरव दिवस मनाते हैं क्या कमेंट में आप लोग बताइएगा झारखंड को एक सेपरेट स्टेट के रूप में दो हज़ार के ईस्वी में ये मिलता है ठीक है इतना ध्यान रखना है उसके बाद ये सब तो हम लोगों ने कर लिया उसमें इसमें हम लोग नहीं करेंगे और इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक को चूज कर लेंगे ठीक है क्या डिस्ट्रिक्ट है ये सब तो हम लोगों ने ओवरव्यू में कर लिया है देखिए है दो तो, तो हम लोग के पास जो है ना एक तरह से देखा जाए तो परमंडल डिवीजन जिसको बोलते हैं नौ है और जिसमें कि पटना है मगध है सारण है तिरहुत है दरभंगा है कोसी है पूर्णिया पु, मुंगेर भागलपुर जिसमें से सबसे छोटा जो है ना भागलपुर है दो ही डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर वाले में एक है आपको बाका और एक है भागलपुर ठीक है और सबसे बड़ा जो है ना तिरहुत है ठीक है ये बताइएगा तिरहुत में कितना डिस्ट्रिक्ट है ठीक है और डिस्ट्रिक्ट उतना और में भी है मगध में भी है फिर भी वो एरिया में बड़ा है क्या इसी को आपको बताना है और डिस्ट्रिक्ट देखिए थर्टी एट डिस्ट्रिक्ट हम लोग के पास है एक चीज़ पूछा जाता है कि पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग है फोर्टी फोर है क्या कमेंट बताएंगे आप लोग उसको हम लोग ओवरव्यू वाले में डिस्कस किए थे जो अनुमंडल है सब डिवीज़न जिसमें एस आप लोग बनते हैं एक है, 101 है। शतक से एक ज़्यादा है और ब्लॉक जो है पाँच सौ चौंतीस है पंचायत देखिए आठ हज़ार चार सौ छः है और नंबर रेवेन्यू बोले जहाँ से रेवेन्यू मिलता है वो पैंतालीस हज़ार एक सौ तीन है ठीक है टाउंस की बात करिएगा तो एक सौ निन्यानवे है देखिए यहाँ पे, पे एक सौ एक है और यह यहाँ पे एक सौ निन्यानवे है ये सौ से एक पार है यहाँ पे एक सौ कम है दो सौ में पुलिस स्टेशन आठ सौ तिरपन है पुलिस डिस्ट्रिक्ट फोर्टी फोर है जिसमें से चालीस सिविल और रेलवे वाला चार है मेट्रोपोलिटन सिटी पटना है आप बताइएगा तीन जो शहर है जो कि दस लाख से पॉपुलेशन कम है डिस्ट्रिक्ट तो कौन कौन सा है ये आप लोग को बताना है ये सेंसस वगैरह से रिलेट कर लीजिएगा यहाँ पे हम लोग का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है जो फॉर्मेशन ऑफ बिहार वो कंप्लीट होता है दोस्तों अब हम लोग का आ जाता है ना कि जो अपना पटना सेक्रेटेट है उसका हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ये स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में ही हो जाएगा देखिए इसको जो है ना हेड करते हैं चीफ सेक्रेटरी जो कि आपको सी के सी चीफ सेक्रेटरी होते हैं अमृत लाल मीणा है अभी प्रेजेंट में आप लोग देख लेंगे तो चौबीस का ही मैं बता रहा हूँ जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय अपडेटेड कर लेंगे ये इंडो सरेसैनिक स्टाइल में बना हुआ है इंडो जैसे इंडो गोथिक होता है ना इंडो आपको ग्रीक उस तरह से इंडो स्टाइल आप इसमें देखिएगा ना ये डिजाइन किया गया था जोसेफ मुनिंग्स के द्वारा जोसेफ मुनिंग्स और ये जो है ना मार्टिन बर्न के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसके द्वारा मार्टिन बर्ड तो ये याद रखना डिजाइन किया है जोसेफ मुनिंग्स बनाए हैं मार्टिन बर्ड बर्न बर्ंडसौ तो चौंतीस का जो अर्थ क्यों क्या था ना इसमें एक क्लॉक टावर लगाया गया ये आपका जो पटना से टायरेस्ट सचिवालय वाला है इसमें आपको इसमें बताइएगा पटना सेक्रेटारियट में जो लोग ये एस एस सी सी जेल बिहार एस एस सी सी जेल क्रैक करके जाते हैं वो लोग काम करते हैं क्या मिनिस्ट्री वगैरह में तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो पहले आपके सी एम ओ बिहार हैं ठीक है और बिहार केसरी जिनको बोला जाता है ये ब्रॉन्ज स्टेचू इनका लगा हुआ है कांस की प्रतिमा और साथ सही जो गोलीकांड हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा था उन लोगों का जगत के राम से उमा देवी राजे ट्रिक मैंने बताया था सातों शहीद को याद करने का गोलीकांड जो पटना सिटी वाला गोलीकांड हुआ था पता है कितना ग्यारह अगस्त को हुआ था क्या उन्नीस में यहाँ पर रिविजन भी हो जाएगा तो ये चीज़ है और यहाँ पर देखिए ये पहले सत्याग्रही यहाँ पर जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे आपको बताना है कि पहले कौन थे बिहार से चलिए ये हो गया अब हम लोग का यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है दोस्तों कि जो पॉलिटी ऑफ बिहार है ना उसको अगर डिवाइड करिएगा तो तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं तीन या चार पार्ट पे एक है कि लेगिस्लेचर जो कि विधान जो कोई मंडल बोलते हैं आप लोग जिसमें कि आप जैसे इंडिया में देखते हैं ना आपको लोकसभा है राज्यसभा है उस तरह से यहाँ पर जो है ना विधानसभा और विधान परिषद है ठीक है जिसको कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये सभा वाला होता है ठीक है ये ये जो जीत कराते हैं और इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये परिषद वाले होते हैं ये एक सौ उनहत्तर नंबर आर्टिकल आपको याद है क्या बताइएगा इसमें हम लोग सब डिस्कस करेंगे अभी ठीक है और यहाँ पे देखिए कैबिनेट का जो मिनिस्ट्री बनता है उसको भी हम लोग को देखना है जिसमें कि सी तो रहते ही हैं नीतीश कुमार जी नौवीं बार आपकी सी एम का शपथ लिए हैं ये ध्यान रखिएगा बहुत सारा ये आपको कॉलिसन बनाते रह रहे हैं कभी आर के साथ कभी आपको बीजेपी के साथ तो ये ध्यान रखिएगा अभी आपको किन के साथ है बीजेपी के साथ है लीडर ऑफ अपोजिशन अभी आपको तेजस्वी यादव हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और राबड़ी देवी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में है ये ध्यान रखिएगा ठीक है और यहाँ पे क्या बीमे मिनिस्टर हैं इन लोग के कैबिनेट में क्या ये भी देखेंगे हम लोग आगे जाएंगे जब देख चलेंगे तो 28 जनवरी 2024 को ये नीतीश कुमार जी जो है ना अभी शपथ लिए थे नौवीं बार अट्ठाईस जनवरी 2024 ठीक है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शिव पार्ट था इसमें हम लोग अभी सब देखेंगे क्या स्पीकर होते हैं क्या डिप्टी स्पीकर होते हैं सबका चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सब देखेंगे अब देखिए एग्जीक्यूटिव इन बिहार जो आपको विधायिका के बारे में देखा जाए सॉरी ये विधायिका था ठीक है ये कार्यपालिका है ठीक है इसमें आप लोग गवर्नर सीएम ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं ठीक है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उसको देखते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में देखते हैं डिप्टी सीएम के बारे में एडवोकेट जनरल ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट रहता है जैसे जन एडवोकेट जनरल ऑफ़ आपको वो रहता है ना कौन सा इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहते हैं इलेक्शन कमिश्नर ये सब के बारे में और सब चीज़ें देखेंगे ठीक है एक चीज़ ये बताइएगा जैसे कि गवर्नर को ना एजेंट ऑफ सेंटर बोला जाता है या रॉबर्ट स्टाम्प बोला जाता है ये सब मेंस का टॉपिक्स है तो यहाँ पे तो हम लोग उतना डिटेल नहीं करेंगे लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं देखिए जुडिशियरी इन बिहार जिसमें हाई कोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट होता है ना ये हाई कोर्ट फिर आपको है ये एक तरह का इंटीग्रेटेड है ये ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट है ये कोई रैंकिंग हाईयर की नहीं है लेकिन हाई कोर्ट स्टेट लेवल में आता है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है ठीक है ग्राम कचहरी भी है सरपंच वगैरह का सब देखेंगे लोकल गवर्नमेंट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज ठीक है बानवास संविधान संविधान संशोधन अधिनियम तीनान बास संशोधन अधिनियम ये सब देखेंगे हम लोग ठीक है दोस्तों कौन कौन सा एक आया है उसको सब कंप्लीट करेंगे हम लोग देखिए दोस्तों एक ही पेज पे आपको दोनों मैंने एक साइड में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक साइड में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख दिया है ताकि आपको कंपेरिजन करने में ईजी हो देखिए इसको ना आप लोकसभा से कम्पेरिजन कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा से आप रिलेट कर सकते हैं ठीक है जो इंडियन पॉलिटी है उसी का ये पार्ट एक तरह का देखिएगा तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको बोला जाता है विधानसभा राज्य विधानसभा इसमें जो है ना स्पीकर होते हैं ठीक है और डिप्टी स्पीकर होते हैं ठीक है और इसमें जो है ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं आप एक चीज़ बताइएगा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं क्या उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के पोस्ट के लिए सैलरी मिलता है या एक सौ फीसद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए मिलता है ये आप लोग बताइएगा इंडिया का पार्ट है ठीक है सबसे मेन चीज़ है ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसमें आपको दो सीट से बिहार का कितना 243 इसमें ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल नंबर 170 में तो बोला जाता है कि 60 से लेकर 500 के बीच में आप स्टेट मतलब कि लेजिस्टिव असेंबली का जो आपका ये कॉन्स्टिट्यू मतलब कि जो आपका ये रहेगा कॉन्स्टिट्युएंसी रहेगा या मान लीजिए जितना सीट्स है जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज होगा बिहार में टू है आप बताइएगा ये लेजिस्टिव लोकसभा में कितना है पाँच सौ है क्या जो दो आपको ये था ना ये एंग्लो इंडियन इसको खत्म किया गया कौन सा संशोधन से खत्म किया गया ये भी आप बताइएगा तो सा इंडियन पॉलिटी को रिलेट करते चलेंगे ठीक है अब देखिए एमएलए के लिए दो सीट्स है आप यहाँ पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनना चाहते हैं मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो ये पच्चीस साल कम से कम एज होना चाहिए कितना पच्चीस साल और आप बताइएगा लोकसभा में जाने के लिए कितना रहता है बताइए और यहाँ पे राज्यसभा में जाने के लिए कितना रहता है क्या तीस साल इसमें रहता है इसमें पच्चीस साल रहता है क्या बताइए और वही चीज़ है यहाँ पे देखिए इसमें पच्चीस साल है इसमें तीस साल है ये स्टेट लेजिस्टेटिव काउंसिल में अगर आपको बनना है तो तीस साल का ये एज होना चाहिए इसमें आई थिंक कि मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं देखिए थर्टी इयर्स यहाँ पे छोटा सा पॉइंट में लिखा गया है अब ये तो हो गया मतलब कि कितना कितना सीट है ये सब अब देखिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबली का जो यहाँ पे मेन मैटर है देखते हैं कि स्पीकर जो है ना इसके पहले राम दयालु सिंह बने थे उन्नीस सौ सैंतीस से लेकर चौवालीस तक रहे थे राम दयालु सिंह एक राम दयालु नगर बताइएगा ये मुजफ्फरपुर साइड में अब जाइएगा ना अगर ट्रेन से तो आपको पता होगा अभी जो है ना सत्रहवें आपको स्पीकर हैं ठीक है नंद किशोर यादव कौन है नंद किशोर यादव जी अभी लेटेस्ट में है आपको करंट अफेयर का कोई भी बुकलेट देख रहे हो तो उसमें मिल जाएगा डिप्टी स्पीकर में नरेंद्र यादव जी हैं नरेंद्र नारायण यादव जी अभी लेटेस्ट में ठीक है नरेंद्र नारायण यादव यहाँ नंद किशोर यादव यादव जी हैं दोनों यहाँ पे याद हो सकता है ठीक है मेन हम लोग का मकसद क्या आना दोस्तों फ्लो चार्ट और इसके एक्टिव रिकॉल और इसको रिवाइज कराया जाए ये रटने के लिए या बताने के लिए केवल और पी पढ़ने से मतलब नहीं है हम लोग रिकॉल कराएंगे ये रिकॉल आपको रिवाइज कराएंगे याद करा देंगे देखिए दो सौ सीट में ना आपको चालीस सीट रिजर्व है जिसमें अड़तीस एस के लिए दो एस के लिए कितना अड़तीस एस सी दो एस टी एस टी दो है और अड़तीस ये है क्यों चालीस इसलिए मैंने बोला ना कि चालीस हम लोग का यहाँ ये लोकसभा में सीट्स हम लोग का है बिहार से सोलह राज्यसभा से है इसलिए यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ठीक है आर्टिकल नंबर तीन में चेंज वगैरह करके एक इंग्लो इंडियन जो थे ना उनको खत्म कर दिया गया ये इसमें एक एक एंग्लो इंडियन भी रहते थे जो कि गवर्नर वगैरह मनोनीत नॉमिनेट कर सकते थे इसको रिपील कर दिया गया लोकसभा में भी रिपील किया गया ये ध्यान रखिएगा दो लोग होते थे नंबर ऑफ सेशन जो है ना तीन करने का यहाँ पे प्रावधान है अगर आप चाहिएगा तो देखिए ये जो है एक इसमें से मान लीजिए जो स्टेट स्टेट असेंबली मान लीजिए इतने लोग एम एल ए आ गए मान लीजिए टू फोर्टी थ्री तो क्या टू फोर्टी थ्री लोग मिनिस्टर बन जाएंगे नहीं तो उसमें से कुछ सिलेक्ट करके ये आपको एम एल ए बनाया इस मिनिस्टर बनाया जाता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं मंत्रिपरिषद ये नाइन्टी वन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक आया था बोला गया क्या कि पंद्रह परसेंट से ज़्यादा जो आपको यहाँ पे सीट्स है दो सौ तैंतालीस है मान लीजिए जिस भी राज्य में जितना सीट्स है माना स्टेट लेकिन स्टेटिव असेंबली का जितना सीट है उसके पंद्रह परसेंट से ज़्यादा काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर उतना से ज़्यादा आप नहीं बना सकते आप देखिए मान लीजिए दो सौ यहाँ पे तैतालीस है इसको पंद्रह परसेंट आप निकाल कर बताइए कि कितना आ रहा है ठीक है तो उतना से ज़्यादा यहाँ पे मेम्बर जो है आपको मिनिस्टर नहीं बनेंगे देखिए दोस्तों इसको कैलकुलेट करने पे 36.45 के आसपास आ रहा है तो मतलब कि आप देख सकते हैं ना ये 36 से ज़्यादा यहाँ पे मिनिस्टर नहीं बनेंगे ठीक है ये अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इतना बन सकते हैं ये नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक को ध्यान रखना है मैंने बता दिया कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ये आपको स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबली में अभी प्रेजेंटली दो में तेजस्वी यादव जी हैं और ये आपको राबड़ी देवी जी हैं आपको स्टेट लेजिस्टिव काउंसिल में ये लीडर ऑफ अपोजिशन ठीक है और एक सौ आर्टिकल में क्या है चार से लेकर 500 के बीच में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये आपको सीट छोड़ सकता है एम का ठीक है आप देखिए ये हो गया आपका स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबली अब हम लोग चलते हैं स्टेट लेजिस्टेटिव काउंसिल सबसे मेन चीज़ है ना कि आर्टिकल आपको याद होना चाहिए ये सारे राज्य में नहीं है ठीक है तो एक जो आर्टिकल है ना उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन किया जाता है किसी राज्य में ठीक है परिषद बोलते हैं इसको तीस साल कम से कम एज होना चाहिए इसमें मेम्बर बनने के लिए ठीक है अब देखिए इसमें क्या है ना जम्मू एंड कश्मीर में पहले हुआ करता था इसको अब यूनियन यूनिटेटिव बनाने से इसको खत्म कर दिया गया है अब है आपको आंध्र प्रदेश ठीक है एक है महाराष्ट्र एमपी नहीं है महाराष्ट्र है बिहार है उत्तर प्रदेश है कर्नाटक है तेलंगाना है छः जो जगह है ना तो अभी यहाँ पर आपको स्टेट लेजिस्टेटिव काउंसिल देखने को मिलेगा ठीक है और एम बी अम्बुक के टिकट टिक से भी याद कर सकते हैं इसको छः साल देखिए यहाँ पे ये लोग का टर्म एक तरह से बोल सकते हैं ये एक तरह का परमानेंट बॉडी है ठीक है ये यहाँ पे डिजॉल्व नहीं होता है ठीक है और यहाँ पे देख सकते एक बट तीन मेंबर जो है ना आपको हर दो साल पे रिटायर होते हैं कितना वन बाई थर्ड जो है रिटायर होते हैं मान लीजिए कि वन थर्ड अभी रिटायर हुए फिर दो साल के बाद वन थर्ड रिटायर होंगे मतलब कि टू थर्ड हो गए फिर दो साल बाद वन थर्ड मतलब कि टोटल छः साल में रिटायर हो जाते हैं लेकिन हर साल ना, हर दो दो साल पर फिर नया आते जा रहे हैं ना तो ये हमेशा फुल रहता है मतलब कि ये डिजोल्व नहीं होता है इस चीज़ को याद रखिएगा बोल दिया जाए कि इसको मतलब कि छः साल ही खर्च काल है तो ऐसा कुछ नहीं है ये दो साल पर रिटायर होता है इस टाइप का स्टेटमेंट करेक्ट होगा ठीक है अब देखिए इसमें जो है ना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में है तो देखिए इसके चेयरमैन औदेश नारायण सिंह है जो कि तेरहवे नंबर के हैं अभी चौबीस में अवधेश नारायण सिंह और डिप्टी चेयरमैन राम वचन राय यहाँ पे अभी है ठीक है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका पहले कौन थे ये हम लोग देखेंगे अभी का प्रेजेंट आप याद करिए ठीक है कहाँ कहाँ पे है आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र बिहार उत्तर प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना छह जगह पर आर्टिकल नंबर वन सिक्सटी नाइन वन बाई थर्ड मेम्बर टू ईयर्स में रिटायर होते हैं ठीक है और चेयरमैन है अवधेश नारायण सिंह और डिप्टी चेयरमैन रामबच्चन राय ओके अब इस तरह से रा राज्यसभा जो होता है ना उसके चेयरमैन आपको कौन होते हैं क्या आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये बताइए ठीक है अभी आपको बिहार में बाइस सीएम कौन कौन है दो सीएम है भाई सीएम एक है आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि आपको सम्राट चौधरी एक और कौन है बताइए और उदेश नारायण जी हैं कि कौन है बताइए आप लोग कमेंट में विजय कुमार सिन्हा जी हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों लोग बाईस सी एम है अब देखिए यहाँ पे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना दोस्तों उसका पहला मीटिंग पटना कॉलेज में देखने को मिला था उन्नीस में और पहला स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पेपरलेस बनाने वाला अगर पूरा इंडिया में देखा जाए जो छहवीं स्टेट वगैरह हैं तो बिहार है और यहाँ पे एक आर्टिकल के अंतर्गत अगर देखा जाए ना तो कोई भी मान लीजिए राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद लाना है तो स्टेट का स्पेशल मेजोरिटी से ये चीज़ पास होना चाहिए फिर पार्लियामेंट है ना उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगी पार्लियामेंट क्यों सिंपल से क्योंकि ये इसके इंडिया पर कोई फर्क पॉइंट थोड़ी ना रहा ये तो स्टेट में फर्क पड़ रहा है ना मतलब कि जिस स्टेट में है तो वो लोग स्पेशल मेजोरिटी से लेकर आएंगे कि वहाँ पर चाहिए कि नहीं चाहिए जरूरत है कि नहीं चाहिए ठीक है ये है और देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कितना मेंबर हो सकते हैं तो 40 से लेकर जितना स्टेट लेटिव असेंबली का यहाँ पे संख्या है उसका वन थर्ड हो सकता है तो यहाँ पे अगर दो का वन थर्ड अगर आप निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा एट्टी तो आप चालीस लेकर इक्यासी के बीच में यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 171 के अंतर्गत ये चीज़ का मतलब कितना संख्या ये रहेगा एक सौ सत्तर में ये था 60 से लेकर 500 सौ के बीच में तो ये ध्यान रखना है ठीक है विमेन को वोटिंग राइट दिया गया था उन्नीस सौ इक्कीस में और इसका उन्नीस सौ बारह में जो है ना पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे चार्ल्स स्टुअर्ट बैले ये स्टेट लेजिस्टेटिव काउंसिल के पहले एल जी बने थे चार्ल्स स्टुअर्ट बैले और उन्नीस सौ इक्कीस में देखिए इसको लट दीजिए पहले चेयरमैन वाल्टर मोडे बने हैं कौन वाल्टर मोडे ये सब आज़ादी के पहले के आसपास के हैं आप लोग बताइए आज़ादी के बाद पहले कौन बने हैं ये कमेंट में आप लोग बताइए ठीक है जो तो स्टेट लजिस्टेटिव असेंबली में हम लोग देखा दो फोर्टी तीस सीट था यहाँ पे सेवेंटी फाइव सीट है बिहार में सेवेंटी फाइव सीट्स आपको स्टेट लजिस्लेटिव काउंसिल का है और हम लोगों ने बता दिया राज्यसभा में आपको सिक्सटीन और लोकसभा में फोर्टी और यहाँ पे क्या रिजर्वेशन वगैरह है ये सब हम लोगों ने देख लिया चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक्स था ये लेजिस्लेचर वाले में इसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव में अब चले आए हैं ठीक है एग्जीक्यूटिव में देखिए सबसे मेन चीज है गवर्नर तो कोई भी स्टेट का वर्क है ना ऑल वर्क आर डन इन द नेम ऑफ गवर्नर और जो भी पावर है वो आपको वेस्टेड होता है गवर्नर में एग्जीक्यूटिव पावर ठीक है अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल मतलब कि कोई भी राज्य का पाल है एक तरह का देख सकते हैं यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है नोमिनल हेड भी बोल सकते हैं इसको ठीक है और रियल हेड तो आपको सीएम होते हैं जैसे कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको नोमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोले जाते हैं लेकिन पीएम रियल हेड बोले जाते हैं उसी तरह से आप रिलेट करते चलेंगे राष्ट्रपति को राज्यपाल से और पीएम को सीएम से ठीक है डी जूरे हेड भी बोल सकते हैं और डी फैक्टो हेड आपको सीएम या पीएम हो जाएंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जो कि ब्रिटेन का वेस्ट मिनिस्टर वाला जो फॉर्म है ना वो हम लोग एक्सेप्ट किए हैं ठीक है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहाँ पे ये बताइएगा क्या यूएसए में है क्या तो ये ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया इसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट समझ ना लोकसभा राज्यसभा और उसके अलावा ये जो है आपको यहाँ पे मतलब कि राष्ट्रपति तो होंगे ही आपको यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे पी या जो भी है आपको अदर मिनिस्टर वगैरह ये सभी रहेंगे दोनों यहाँ पे ये रहेगा ठीक है देखिए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना यहाँ पे मेन पावर जो है पार्लियामेंट के पास मतलब ये रहता है और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल वाला हम जैसे यूएसए में, में देखते होंगे ना सब राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर होता है लेकिन हम यह लोग के पास पीएम एम का ज़्यादा पावर है ये देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है ना गवर्नर का कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया उन्हीं के प्लीजर तक ये रहते हैं जब इनका प्लीजर खत्म होगा तो ये हटेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति पर तो इम्पीचमेंट लगता है गवर्नर पर क्या लगता है यह बताइएगा ठीक है और उस तरह से हम लोग जज का भी देखेंगे मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी पे उनको अलग किया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा चलिए अगर मान लीजिए आपको राज्यपाल बनना है गवर्नर बनना है तो आपको कम से कम पैंतीस साल या उससे ज़्यादा केज होना चाहिए और इंडियन का सिटीजन होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि केवल इंडिया का ये जन्म से सिटीज़न किसी भी मतलब कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं ठीक है ये ध्यान रखना है और पैंतीस साल इस होना चाहिए अभी हम लोग देखा ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में या राजसभा में तीस साल और लोकसभा या आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पच्चीस साल और यहाँ पे देख ले ये पैंतीस साल है इससे बढ़ गया ठीक है ये ध्यान रखिएगा और एक इक्कीस साल होता है आपको वोट में ये आपको यहाँ पे खड़ा हो होने के लिए ये पंचायती वाला में अगर देखेंगे हम लोग ठीक है अब देखिए यहाँ पे जो इसको गवर्नर को जो है शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो शपथ वो दिलाएंगे और वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे ठीक है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब यहाँ देखिए जैसे कि अभी प्रेजेंटली के विनोद चंद्रन है क्या बताइएगा चवालीसवें नंबर है क्या ये बताइए और इंडिया में डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या ये भी आपको बताना है ठीक है अब देखिए यहाँ पे इनका कुछ पावर वगैरह है तो मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट किसको कर को करते हैं तो सीएम चीफ मिनिस्टर को कर देंगे अदर मिनिस्टर लोग का अपॉइंटमेंट ये आपको गवर्नर ही करते हैं एडवोकेट जनरल का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट करते हैं हम लोग आगे देखते चलेंगे जब इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे ना तब ये देखिए इन लोग को हटाते भी हैं अपॉइंटमेंट करेंगे रिमूव भी करेंगे और जो स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबली है ये सबको एड्रेस करते हैं समन करते हैं बुलाते हैं ये ऑर्डिनेंस पास करने का भी इनका जिम्मा है ठीक है ये आप बताएगा वन टू थ्री आर्टिकल में राष्ट्रपति का है क्या ऑर्डिनेंस पास करने का तो गवर्नर का किस नंबर आर्टिकल में डी सी वादवा एक किस था जिसमें कि ऑर्डिनेंस को ना रिपोर्गुलेट कर दिया जा, जा रहा था बार बार ये उसी चीज़ को लाया जा रहा था तो इसको यहाँ पे इसे खत्म किया गया है ये डीसी सी वादवा केस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना आर्टिकल नंबर दो में ये दिया गया है ये राज्यपाल को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ना बिल कोई भी अगर मान लीजिए ये राज्य सरकार बना रही है उसको रिजर्व करके रखेंगे जिसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बिल रिजर्व करके रखेंगे आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड में डिस्क्रिप्शनरी पावर के अंतर्गत आता है ठीक है उस तरह से हम लोग राष्ट्रपति का देखते हैं ना पॉकेट बीटो ठीक है बीटो पावर वगैरह तो आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स इसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में चर्चा होता है जब आपको स्टेट में ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी देखने को मिले ये टर्म है कि मतलब कि संविधान के अनुसार अगर शासन व्यवस्था नहीं चल पा रहा है मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हो गया है तो प्रेसिडेंट रूल लागू होगा आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी सिक्स तीन सौ बावन में क्या है तो नेशनल इमरजेंसी ठीक 360 में क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी ये सब ध्यान रखते चलिएगा आर्टिकल नंबर 161 161 में जुडिशियल पावर भी दिया गया है राज्यपाल को कुछ कुछ जैसे आप देखते हैं ना वो बहत्तर नंबर आर्टिकल में पार्डन करना माफ़ करना सजा को कम करना रिप्राइव करना रिमिशन करना राष्ट्रपति के पास है उस तरह से है लेकिन इनके पास ना रा, राज्यपाल के पास, पास पार्टन करने का पावर नहीं है माफ नहीं कर सकते हैं कम वगैरह कर सकते हैं तो ये याद रखिएगा नॉट पार्डन ये वर्णन नहीं कर सकते हैं केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग का पूरा एक तरह से राजपाल के बारे में हम लोगों ने देख लिया आप कुछ कुछ यहाँ पे देखेंगे हम लोगों की राजपाल में आपको प्रेजिडेंट रूल लगता है ना तो उनका पावर ये राजपाल का पूरा बढ़ जाता है तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है नॉमिनल हेड है रियल हेड सीएम है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग अपनाया है ना तो ये गवर्नर जो है ना अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पैंतीस साल का एज होना चाहिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनको शपथ दिलवाते हैं और पावर जो है ये सब हम लोग देख लिया ऑर्डिनेंस डी सी वादवा केस और एक है आपको बिल रिजर्व करने का पावर आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड दोहरा शतक है ये याद रखिएगा और वन में जुडिशियल पावर है लेकिन पार्डर नहीं कर सकते हैं ठीक है अब बिहार में जो है ना आपको प्रेजिडेंट रूल कब कब लगा ये पूछ लेता है आठ बार लगाया ये क्या ये आप लोग कंफर्म करिए आठ टाइम्स लगाया क्या और पहला बार जो ना जून 1968 में लगाया देखिए अभी आपको इमरजेंसी नाइन्टी पचहत्तर में नहीं आया है ये उन्नीस सौ का ही बात है नित्यानंद कानूगो उस समय राज्यपाल थे कौन थे नित्यानंद कानूगो और इस समय कौन सी थे ये भी आप लोग देख बता सकते हैं लास्ट जो आपको प्रेजिडेंट रूल लगाया ना राष्ट्रपति शासन जिसको हिंदी में बोलते हैं दो हजार पाँच में लगाया बुट्टा सिंह इस समय गवर्नर थे ठीक है इस समय कौन आपको यहाँ पे है आपको राबड़ी देवी हैं कि कौन है बताइएगा ये सीएम और इस समय नित्यानंद कानंगों के समय में कौन थे ये दोनों काम आप लोगों को बताना है ठीक है अब देखिए रामेश्वर प्रसाद की सिख है ये याद रखिएगा ये बूटा सिंह गोर्ड से रिलेटेड है तो ये इतना ध्यान रखना है आप लोगों को देखिए दोस्तों जो पहली बार लगाया है जिस समय आपको गवर्नर मैंने बताया नित्यानंद कानून को उस समय भोलाभ पासवान शास्त्री थे और जो लास्ट समय लगा है दो में इस समय आपको बूटा सिंह गवर्नर है आपको बताना है कि इस समय आपको सीएम कौन है थोड़ा सा मतलब कि कम टाइम का है इसलिए आप बता भी सकते हैं ठीक है अभी तो नीतीश कुमार कितने साल से चल रहे हैं उसका जस्ट पहले कौन है ये बताइए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे गवर्नर हो गया ना तो अब हम लोग देखेंगे चीफ मिनिस्टर जो कि नीतीश कुमार अभी नौवीं बार शपथ लिए ना अट्ठाईस जनवरी दो को ठीक है बीजेपी के साथ अभी मिले हुए हैं और देखिए यहाँ पे एक चीज़ है देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ आता है जैसे आप पार्टी वगैरह चेंज करते हैं क्या इसके लिए कोई लॉ आना चाहिए क्या कोलिशन गवर्नमेंट आप बार बार चेंज कर रहे हैं तो ये चीज़ के लिए बताइएगा आप लोग थोड़ा सा मेन्स प्रस्पेक्टिव से अपना क्या ओपिनियन है आप लोग बताइएगा देखिए आर्टिकल नंबर वन थ्री में आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में ठीक है इसका अपॉइंटमेंट होगा या इसका पोस्ट है जैसे आर्टिकल नंबर चौहत्तर में पीएम का है ना उस तरह से ये है और आर्टिकल नंबर एक सौ पैंसठ में भी है जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे कि आपको वहाँ पे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर इंडिया के लिए जिस तरह से है देखिए आर्टिकल नंबर 164 सिक्सटी फोर में एक में है कि ये चीफ मिनिस्टर होंगे ठीक है उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा एक में उनके अपॉइंटमेंट के बारे में है कि उनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे गवर्नर अभी हम लोग देखा गवर्नर के पावर में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं आपको चीफ मिनिस्टर का श्री कृष्ण सिंह जो है ना पहले सी थे अपने बिहार के ठीक है आप बताइएगा फर्स्ट पी ऑफ बिहार जो कि आज़ादी से पहले बने थे क्या मोहम्मद कोई यूनुस करके हैं क्या बताइए उसके बाद कृष्ण सिंह बने तो वो किस पार्टी से ये भी बताना है मोहम्मद यूनुस करके जो है क्या मुस्लिम पार्टी से इंडिपेंडेंट पार्टी से तो क्या बताइए वो पी में मिल जाएगा आप लोगों को तो उन्नीस से इकसठ तक तो, आजादी से पहले के बाद तक तो यहाँ पे सीएम रह रहे हैं कृष्ण सिंह बिहार केसरी हैं और बिहार विभूति किन को बोलते हैं क्या अनुग्रह नारायण सिंह है पहले डिप्टी सीएम वहीं है क्या बताइए बिहार अनुग्रह नारायण सिंह ठीक है चार दिन तक देखिए सबसे कम समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर सतीश प्रसाद हैं कौन सतीश प्रसाद और कर्पुरी ठाकुर जो आपको सी रह चुके हैं आपको उनको अभी इस बार भारत रत्न मिल रहा है ठीक है पोस्टमसली डेथ के बाद तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कर्पुरी ठाकुर के बारे में सब देख लीजिएगा हम लोग करेंट में करा देंगे और देखिए पहले नॉन कांग्रेसी मिनिस्टर जो कि महामाया प्रसाद जी थे कांग्रेस का चल रहा था मिनिस्ट्री महा माया प्रसाद आकर उसको प्रथा को तोड़े थे पहली बीमेंट के बारे में देखा था तो राबड़ी देवी ये किस समय रही है क्या इस समय ये 2005 वाला टाइम है क्या बताइएगा नेक्स्ट टाइम लोग का आप डिप्टी सीएम ठीक है डिप्टी पीएम होते हैं कि नहीं आप बताइएगा <coughs> क्या पहले डिप्टी सी एम पी एम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे क्या बताइए ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नहीं ठीक है और पहले यहाँ पे डिप्टी सी का बात किया जाए ना तो अनुग्रह नारायण सिंह थे कौन अनुग्रह नारायण सिंह और अभी सुशील कुमार मोदी जी का भी डेथ हुआ है ये आप इसको भी रिलेट करिएगा आप लोग करेंट को यहाँ पे पॉलिटिक के बिहार से तो पहले भी मैं रेणु देवी बनी थी डिप्टी सीएम ये जस्ट कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे मिनिस्ट्री बना जब और यहाँ पे सुशील कुमार मोदी जी के बारे में बहुत सारा चीज़ देता है कि क्या ये कहाँ से मतलब कि पटना कॉलेज से ये आपको नेता निकल कराए थे उस समय कितना कब मतलब कि यहाँ पे बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं ये सब देखिए 2024 में भी ना दो आदमी आपको डिप्टी सीएम एम है एक सम्राट चौधरी तो हैं एक विजय कुमार सिन्हा भी हैं कौन सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और देखिए हो गया आपको सीएम डिप्टी सीएम गवर्नर अब आते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में जैसे कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट तो ये आर्टिकल नंबर no. 165 याद रखिएगा ठीक है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है 177 में इसके वोट नहीं दे सकता है पार्टिसिपेट करेगा वोट नहीं देगा इस चीज़ का चर्चा है ठीक है अब देखिए दो में भी में साई एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार स्टेट है और देखिएगा उन्नीस में ना ये डिप्टी सी एम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा फर्स्ट गवर्नर सॉरी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनको एस पी सिन्हा एस पी प्रसाद भी बोला जाता है ये फर्स्ट गवर्नर बिहार के बने थे इंडिया या बिहार के जो भी बोली उन्नीस में अंग्रेजों के समय में उन्नीस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको जेम्स शिप्टन गवर्नर बने था कौन जेम्स शिप्टन और उन्नीस में जयराम दस दौलतराम आज़ादी में कौन बने पहले गवर्नर जयराम दास दौलतराम और 1924 में अभी सॉरी 2024 में देखा जाए राजेंद्र विश्वनाथ और महामहिम जी हैं ठीक है और जाकिर हुसैन और रामनाथ गोविंद दो लोग बिहार के ऐसे गवर्नर हैं जो कि राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए गए हैं कौन कौन जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद अभी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक आपको हाई लेवल मीटिंग कमेटी बनाता बताइएगा किस चीज़ से रिलेटेड है क्या सेमिलिटेरियस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है क्या बताइए देखिए तो ये आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट होता है एग्जीक्यूटिव वाला भी पार्ट ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का ये बैकग्राउंड कंप्लीट लेजिस्लेचर कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हम लोग का जुडिशियर और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और लोकल गवर्नमेंट्स वाला देखेंगे फिर कुछ करंट वगैरह फिर उसके बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ठीक है जुडिशरी वाले हम लोग टॉपिक्स पे आ चुके हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन चीज है ना अभी अगर देश में देखा जाए तो पच्चीस कोर्ट है ठीक है दो यूनियन टेरिटरी के पास भी अपना हाई कोर्ट है एक दिल्ली है जो कि राजधानी आप समझ सकते हैं और एक जम्मू एंड कश्मीर है ठीक है दिल्ली के सीएम अभी कौन बनी है आप ये आप लोग कमेंट में बताइएगा करंट अफेयर्स है देखिए हाई कोर्ट के बारे में देखा जाए ना तो यहाँ पे इंडिया का पॉलिटी में भी आप लोग लेट कर सकते हैं जैसे कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं हाई कोर्ट पढ़ते हैं रिट्स पढ़ते हैं ये सब तो यूपीएससी में भी हर चीज में आता है ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है ना आर्टिकल नंबर दो से दो के बीच में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट वगैरह के बारे में चर्चा देखने को मिल जाएगा अब देखिए यहाँ पे जो है 231 नंबर आर्टिकल को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें बोला जा रहा है ना दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए ये कोर्ट हो सकता है एक ही कोर्ट दो से ज़्यादा स्टेट का भी काम देख सकता है न्याय व्यवस्था कौन सा दो नंबर आर्टिकल दो में क्या बोला है ना कि एक स्टेट का अपना कोर्ट हो सकता है ठीक है एक स्टेट का अपना कोर्ट हो सकता है आर्टिकल नंबर दो में क्या है ना कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है ठीक है तो ये कौन करेंगे प्रेजिडेंट करेंगे गवर्नर करेंगे सीएम करेंगे पीएम करेंगे ये सब हम लोग देखेंगे ठीक है अब पटना हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है ना इसका कोई भी बेंच नहीं है ठीक है ये ध्यान रखना है कोई बेंच नहीं है और उड़ीसा के लिए भी ये काम कर रहा था उन्नीस तक ठीक है और देख सकते हैं इसका फाउंडेशन एक दिसंबर उन्नीस को रखा जाता है लॉर्ड हर्डिंग जो आप देखे थे दिल्ली दरबार के आसपास उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस के अंतर्गत इसका ये रखा जाता है फाउंडेशन अभी पटना हाई कोर्ट में देखा जाता ना चीफ जस्टिस के साथ छः जज हैं ठीक है के विनोद चंद्रन आपको तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट पटना हाई कोर्ट है ये ध्यान रखिएगा इंडिया में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बताइए रिलेट करते चलिए तीन फरवरी उन्नीस देखिए तीन साल बाद साल के मतलब चौदह पंद्रह दो ढाई साल बाद यहां पे इनोग्रेशन होता है ये तो तेरह में ये पूछा यहीं जाता है कि कब इसका इनोग्रेशन हुआ तेरह में इसका यहां पे फाउंडेशन रखा गया सोलह में इनोग्रेट होता है पहले चीफ जस्टिस जो है ना चेम्स चैमियर थे जेम्स चेमियर और आजादी के बाद मनमोहन अग्रवाल बने हैं ठीक है पहले अग्रवाल मनमोहन जी अग्रवाल बने अभी चौवालीसवें नंबर के हैं चौबीस में ये के विनोद की चंद्रन जी महामहिम जी ये देख सकते हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन जी अब यहाँ पे ये चीज़ हो होगी आपको हाई कोर्ट के बारे में ठीक है पटना हाई कोर्ट और ये कौन कब रहे थे चेमजे पे एक है सुप्रीम कोर्ट एट द रेट ऑफ कलकत्ता सत्रह में सत्रह के इलेक्टिंग एक्ट से आया था बताइएगा इसके पहले आपको चीफ जस्टिस कौन बने थे सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनता है ये आपको बताना है ठीक है उससे इंडिया का फेडरल कोर्ट उन्नीस सौ में बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस पैंतीस से उसका कब बने थे ये सब हम लोग हिस्ट्री घटना चक्र ना उसमें किए हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं कराएंगे फिर कंफ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का हो गया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और ये सब हम लोगों ने देख लिया देखिए तो जो ये ये कोर्ट वाला हम लोग जुडिशल वाले पढ़ने ना ये मेंस का भी टॉपिक्स है जुडिशल रिव्यू ठीक है जुडिशल एक्टिविज्म सो मेंस का टॉपिक्स है पीआईएल तो ये सब देखते हैं हम लोग क्या क्या है तो देखिए पीआईएल का जो है ना इसका फादर मानते हैं पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर जस्टिस जो ये दोनों लोग हैं उन लोगों को मानते हैं और देख सकते हैं अभी जो है ना यहाँ पे बिहार का सेंसस वगैरह जो हुआ था उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह सरकार लेकर आई थी इसलिए पी आई एल वगैरह दायर भी किया गया था पटना हाईकोर्ट इसको ये कर दी थी क्या बोलते हैं कैंसिल कर दी थी उसको निरस्त कर दी थी तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी पी आई एल वगैरह दाखिल हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको बोला जाता है ठीक है देखिए नाइनटी अंड्रेड सेवेंटी नाइन का एक केस है हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है नाइनटी हंड्रेड सेवेंटी नाइन हुसैन आरा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार मेन्स में भी यूज कर सकते हैं इस चीज़ को देखिए ये जो है ना फाइल किया गया था पुष्पा के कोई नाम है वो मतलब कि व्यक्ति है उनके द्वारा ये एक मतलब कि फीमेल है ये मदर ऑफ पी बोली जाती है पुष्पा के पुष्पा झुकेगा नहीं तो ये ध्यान रखिएगा मदर मानी जाती है पीआईएल के पुष्पा के उसे नारा भर स्टेट ऑफ बिहार बिहार से ये चीज पीआईएल वगैरह देख सकते हैं स्टेट ये सब चेंज हो रहा है पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक आकर निकल कर आता है ना क्या नाइन्थ शेड्यूल में आपको चेंज वगैरह देखने को मिलता है बताएगा और बिहार का यह इसी में योगदान है क्या आपको बताइएगा स्पीडी ट्रायल जो है ना हम लोग आर्टिकल नंबर इक्कीस जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का जो पार्ट है लिबर्टी टू पर्सनल लाइफ ठीक है इसी का पार्ट है स्पीड ट्रायल होना मान लीजिए कि किसी को आप यहाँ पे ये यह रखे हैं कि मतलब कुछ उसको केस करके रखे हैं और उसको कोई ये सुनवाई नहीं हो रहा है कि उसको सजा मिलेगा कि बेगुनाह साबित होगा उस पर चल रहा है ट्रायल तो उतना दिन तक परेशान है ना तो ये सब हम लोग आर्टिकल इक्कीस में ही स्पीड ट्रायल आ जाता है देख सकते हैं ना यहाँ पे चालीस जो कैदी लोग थे प्रिजनर उन लोग को फ्री किया गया था ये सब केस में हुसैन आरा रहा स्टेट ऑफ बिहार वाला नाइनटीन मदर ऑफ मानी जाती है पुष्पा के ठीक है अब देखिए इसमें अब आ जाता है ना अब ये तो हो गया आपको हाई कोर्ट हम लोग देख लिया पहले तो इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट आप देखते ही हैं ठीक है और यहाँ पे अब हाई कोर्ट फिर हाई कोर्ट के बाद हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब इंटीग्रेटेड हम लोग बोलते हैं आपको इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम ठीक है एक होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक होता है इंटीग्रेटेड अब बताएगा फेडरल सिस्टम का कौन सा पार्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल सवाल है ठीक है अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना यहाँ पे एक तरह का सब कोर्ट बोला जाता था लेकिन इसको अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नाम चेंज किया गया है डी वाई अभी अपना जस्टिस वगैरह जो ला रहे हैं वो सारा नियम कानून ये सब मतलब कि अपना डिसीजन दे रहे हैं उसमें बोले तो आर्टिकल नंबर दो से दो के बीच में इसमें चर्चा है और देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर अगर कंट्रोल देखा जाए ना तो हाई कोर्ट के अंडर में ही चलता है ठीक है और सबसे पुराना अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा जाए तो ये मुजफ्फरपुर में है ठीक है और देखिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आप देखा एक जो ये कौन सा बोलते हैं मतलब कि जो मोबाइल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था मतलब कि जैसे कि होता है ना कहीं पे भी कोर्ट लगा दीजिए ये सब करने के लिए क्या ये आपको ए पीजे अब्दुल कलाम के कॉन्सेप्ट आया क्या ये आप लोग को बताना है थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है बट बताना है लोक अदालत देखिए नलसा नेशनल आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है ना उसके अनुसार अनुसार उन्नीस सौ सत्तासी के एक से ये सब आया था सिविल कोर्ट डिग्री का यहाँ पे मान्यता है ठीक है सिविल कोर्ट ये ध्यान रखिएगा पीएन एन भागवत इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस लोक अदालत का जो भी डिसीजन आता है ना फाइनल एंड बाइंडिंग होता है इसके बाद यहाँ पे कोई सुनवाई वगैरह नहीं होगा लोक अदालत का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिविल डिग्री याद रखेगा एक है ग्राम कचहरी ये दोनों चीज़ को सुनता है सिविल के साथ साथ क्रिमिनल ये बहुत क्वेश्चन एम में फंसाता है कि ग्राम कचहरी हेयर्स ओनली सिविल कोर्ट सिविल मामलास तो आप ये सही कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है ग्राम लेवल पे है तो एक क्रिमिनल क्यों सुनेंगे तो सिविल क्रिमिनल दोनों सुनते हैं छोटा वाला पेटी केस सुनते हैं लेकिन सुनते हैं ठीक है पाँच साल का इनका भी एक ये रहता है ठीक है और इसमें सरपंच रहते हैं इसके हेड उप सरपंच भी रहते हैं उप सरपंच लोग इसको सरपंच लोगों को चुनते हैं और वोटिंग से ये सब इलेक्टेड होते हैं इलेक्टेड जुडिशियरी एक तरह का ये है तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ठीक है पंचायत लेवल पे इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों ठीक है तो एक है लोकपाल एक है लोकायुक्त तो ये जो है ना गवर्नर के द्वारा ही लोकायुक्त तो ये सब आते हैं देखिए करप्शन वगैरह को ये सब करने के लिए एग्जीक्यूटिव में ये सब पारदर्शिता ये सब लाया गया था अभी जो है ना ये सौ उन्नीस में जो आपको बिहार में लोकायुक्त बने थे ना वासुदेव सहनी करके नाम है ठीक है श्रीधर वासुदेव सहनी और पाँच साल इनका कार्यकाल आता है या मान लीजिए सत्तर साल तक इनका अगर टर्म मतलब कि ये चल रहा है जो भी पहले हो जाए मान लीजिए ये अड़सठ साल के हैं तो ये दो साल में रिटायर हो जाएंगे और अगर मान लीजिए साठ साल के हैं तो पाँच साल तक ये काम करेंगे मतलब सत्तर तक पहुँचे या पाँच साल तक जो पहले हो जाए तीन मेंबर इनके साथ रहते हैं जिसमें कि देख सकते हैं दो जुडिशरी से रहते हैं एक सरकार वगैरह से रहेंगे क्या देख लीजिएगा ठीक है तो आप लो लोग बताइए कि लोकपाल जो है ना अभी लोकपाल इंडिया के कौन है ये पूछा सकता है अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये जो है ना आपको अजय मानिक राव खानविलकर अजय मानिक राव खानविलकर का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा ये लोकपाल हैं आप लोग इस तरह से बताइएगा अभी रेलवे बोर्ड के एमडी और सीईओ कौन है क्या कोई चेंज हुए हैं अभी जया वर्मा सिन्हा थी उनके स्थान पर कोई और हैं क्या कमेंट में आप लोग को बताना है ठीक है तो ये ध्यान रखना है अभी नीना सिंह आपको सीआईएसएफ की हेड बनी थी अभी शायद कोई और भी आ गए हैं तो वो आपको दरभंगा जिला से थी इस तरह से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी देखते चलना है करंट से रिलेट करके देखिए दोस्तों अब हम लोगों का टॉपिक्स जो है ना ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला में यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स ये हम लोग देख लेंगे उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स बस बचेगा देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसे स्टेचुरी पोस्ट भी आप लोग बोल सकते हैं जिसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से अगर आता है तो ठीक है तो देखिए बिहार का पी मतलब कि पी सी जिसको आप लोग बोलते हैं कमीशन उसके बारे में देखेंगे स्टेट का इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे ठीक है स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखेंगे ठीक है ह्यूमन राइट को लेकर मानवाधिकार को लेकर है आपको स्टेट का कमीशनर फॉर वीमेन कमीशन फॉर वीमेन आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ये देखेंगे ठीक है फिर हम लोग चलेंगे लोकल गवर्नेंस पंचायत वगैरह पे तो ये हो जाएगा देखिए बिहार पीएससी एस के अभी अगर ये देखा जाए तो 2024 में कौन है परमार रवि मनु भाई मुना भाई नहीं रवि मनु भाई और अतुल प्रसाद तो न्यूज़ में रहते थे पहले थे ये और यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल नंबर तीन याद रखना है ठीक है स्टेट पी का क्रिएशन आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड देखिए अभी उन्नीस में ये स्टेब्लिश हुआ था एक अप्रैल को उन्नीस सौ उनचास में और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस के अनुसार छब्बीस जनवरी उन्नीस को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ये मतलब कि स्टेटस मिला छः साल या बासठ साल जो भी हो जाए ये बासठ साल है 6 या बासठ जिसमें से भी हो जाए तो ये रहेगा इसमें क्या था पांच सत्तर छः बासठ तो राजन राजनधारी सिन्हा जो पहले चेयरमैन बी के थे कौन राजनधारी सिन्हा और फर्स्ट सेक्रेटरी राधे कृष्ण चौधरी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन ठीक है दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये टू फोर्टी थ्री के ये सब पंचायत वाला में है ना ये टू फोर्टी थ्री के है और देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन किस में आता है कौन सा आर्टिकल में तो ये इलेक्टोरल लॉज को बनाता है तैयार करता है जितना लोग का नाम रहता है ना मतदाता सूची वगैरह ये उसमें रहता है अठारह साल के बाद अब ठीक है इक्कीस साल से ना अट्ठारह साल जो एज किया गया है वोट देने का ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक था क्या एक सठवा था क्या बताइए देखिए ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसके मान लीजिए कि कमिश्नर है ठीक है ये मेंबर है वो लोग कैसे हटेंगे तो हाई कोर्ट के जो जज जिस तरह से हटते हैं ना उस तरह से हटेंगे बहुत ही टफ प्रोसेस है ऐसा नहीं कि आसानी से नहीं हटा सकते हैं ठीक है और गवर्नर नहीं हटा सकते हैं अपॉइंट गवर्नर करेंगे लेकिन हटेंगे हटाएंगे नहीं ये हाई कोर्ट का जो मिस इन इनकेपेसिटी और मिस बिहेवियर वगैरह चीज़ है उस तरह से चार्ज वगैरह लगाकर ये लगा तब इनको हटाना पड़ेगा ठीक है क्यों तो मान लीजिए इलेक्शन में धांति ना हो गवर्नर भी तो आपको एक तरह से सरकार के ही अंडर में है ना ये सेंटर के अंडर में स्टेट से भी कुछ रिलेट कर सकते हैं लेकिन ये कुछ यहाँ पे ये नहीं हो घापला वगैरह इसलिए इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रखा गया स्टेट चीफ इलेक्टर ऑफिसर अभी देखा जाता तो है एच एस श्रीनिवास है बिहार में देखिए यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखा जाए तो एक ऑटोनोमस बॉडी है ठीक है अपना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 का जो एक्ट आया था, था ना उसके अंतर्गत ये बना था 2000 में स्टेब्लिश हुआ है बिहार में रिकॉन्स्टिट्यूट दो हजार में हुआ था और इसको हेड करते हैं आईसी रंग से ऊपर के जो अधिकारी हैं वो और अभी देखा जाए अनंत मोहन बाहर इसके चेयरमैन है कौन अनंत मोहन बादर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बीपीएस में देखिए ये इतना डिटेल पूछा है कि नहीं लेकिन ये सब फैक्चुअल भी पूछ लेता है तो इसको ध्यान रखना है और बिहार स्टेट कमीशन का जो वीमेन का जो कमीशन है उसको देखते हैं पटना में इसका हेड ऑफिस या जो भी है ये है और ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जैसा अभी आप लोगों ने देखा ये ह्यूमन राइट कमीशन उस तरह से ये भी इंडिपेंडेंट है तीन साल इनका कार्यकाल है मेंबर जो है सभी विमेन ही रहती है गवर्नर अपॉइंट करते हैं अभी चेयरमैन जो है ना अशोमेक देवी हैं कौन है देवी बिहार स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर का बात किया जाए तो ये दो से दो के आसपास में इसको स्टेचू स्टेटस मिला था पाँच मना था छः में यहाँ पे लीगल एक्ट मतलब लीगल legal, लीगलाइज कर दिया गया गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सब लाया गया था सेकेंड ए के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है कि गुड गवर्नेंस इस लाएगा गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं कमेटी में देखिए सीएम रहते हैं अपॉइंट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं मिनिस्टर भी रहते हैं जो कि सी एम नॉमिनेट कर देंगे तो यहाँ सी एम का पावर हो गया और बस एक एल है लीडर ऑफ अपोजिशन अदरवाइज यहाँ पे सरकार का ज़्यादा पावर है पाँच साल और पैंसठ साल है और ये बी पी में छः था यहाँ पाँच और ऊपर में पाँच था ठीक लोकायुक्त था तो ये सब ध्यान रखिएगा कन्फ्यूज मत हो जाइएगा पटना में, में भी है पटना में भी है हेड ऑफिस वगैरह स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन अभी जो है ना त्रिपुरारी शरण जी हैं कौन है त्रिपुरारी शरण जी तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को तो दोस्तों हम लोग ने देख लिया ये आपको बीपीएससी स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट कमीशन ये फॉर वीमेन और एक इन्फॉर्मेशन कमीशनर त्रिपुरारी सरन वगैरह और देवी देख लिया हम लोग ने अब हम लोग आ जाते हैं लोकल गवर्नेंस जिसमें कि आपको कुछ कुछ पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज जिसमें कि नगर पालिका ये सब हम लोग देखेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देखिए तो सबसे ऊपर मैंने ये लिख दिया है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है ये ए बी सी डी थोड़े ना पढ़ा रहे हैं आपको देखिए क्या है दो नंबर आर्टिकल तो आपको एकदम याद रखना है दो चार तीन दो तीन चार नहीं दो चार तीन सबसे मेन है ना कि अर्बन लोकल बॉडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन या पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशन किस हो तो में होगा तो बी नंबर दो का बी पार्ट में होगा सी में यहाँ पे देखिए आपको ये कंस्ट्रक्शन होगा ये कंपोजिशन होगा फिर रिजर्वेशन होगा फिर यहाँ पे ड्यूरेशन होगा ई में ड्यूरेशन है एफ में क्वालिफिकेशन क्या होगा उन लोगों का जो मेंबर या जो भी बनेंगे पावर क्या होगा जी में है एच में टैक्स ड्यूटीज आई में फाइनेंस कमीशन यह देखना है आई में के में था इलेक्शन और जे में है ऑडिट ओ में है कोर्ट्स इन इलेक्ट इलेक्ट्रोल मैटर्स वगैरह है तो दोस्तों इतना तो कम से कम याद रखना है ये वाला तो फाइनेंस कमीशन और ये आपको इलेक्शन और ये कि ये याद कर सकते हैं रिजर्वेशन वाला इतना तो याद कर सकते हैं आप लोग तीन लेवल का गवर्नमेंट देखने को मिलता है ठीक है सबसे अगर मतलब कि ग्राउंड लेवल पर देखा जाए सबसे मतलब कि लो लेवल पे बॉटम लेवल पर तो ये होता है आपको ग्राम कौन सा पंचायत ग्राम पंचायत ना ग्राम पंचायत हाँ ठीक है कौन सा आर्टिकल में ये विलेज पंचायत के बनाने की बात है ये डी में चालीस है के आर्टिकल देखिए ये वो तो होता है फिर इसको ऊपर ना पंचायत समिति होता है कौन सा पंचायत समिति फिर ये होता है ब्लॉक लेवल पे फिर इसके ऊपर ना ये जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये ध्यान रखेगा तो गाँव लेवल पर फिर ब्लॉक लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस सबको ध्यान रखना है देखिए बिहार में पंचायती राज जो है आपको अगर देखा जाए तो एक एक्ट है दो का एक्ट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इस एक के अंतर्गत ना हम लोग महिलाओं को रिजर्वेशन जो है ना पंचायतों में ये मतलब कि मुखिया वगैरह बनने के लिए ये सब हम लोग फिफ्टी परसेंट दे दिए कितना फिफ्टी परसेंट और बहुत कम मतलब कि स्टेट है आप बताइए कोई और स्टेट है क्या फिफ्टी परसेंट दिया है क्या नहीं तो वन थर्ड देने का संविधान में हमारे मतलब कि रिजर्वेशन को लेकर आया था बिहार इकलौता ऐसा मतलब पहला था जो कि पचास दिया था उन्नीस में एक एक्ट आता है लेकिन दो वाला बिहार वाला याद रखेगा देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी अशोक ये सब जो नाम है ना पी के तुंगन ये सब पंचायती राज से रिलेट करिएगा बलवंत राय मेहता कमेटी को हम लोग रिपोर्ट को माने होने थे उन्नीस सौ में अमें अमेंडमेंट करके एकसठ में आया था एक उन्नीस सौ में फिर ये आपको मतलब कि लोकल गवर्नमेंट के लिए आया था उन्नीस सौ तिरानवे में और तिहत्तरवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट ठीक है और चौहत्तरवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट ये याद रखना है ठीक है ये तिहत्तरवा वाला ग्यारहवा शेड्यूल को जोड़ा अनुसूची ग्यारहवा नंबर का एक एक तो इक्कीस साल एज होना चाहिए आपको वोट में खड़ा होने के लिए हम लोग देखा था ये पच्चीस साल किसमें था स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबली विधानसभा में तीस साल किसमें था ये आपको स्टेट लेजिस्टेटिव काउंसिल ठीक है इतना लोकसभा के लिए चाहिए इतना राज्यसभा के लिए चाहिए पैंतीस साल या उससे ज्यादा क्या चीज़ के लिए चाहिए आपको गवर्नर बनना है राष्ट्रपति बनना है ये सब ध्यान रखेगा ठीक है पचास परसेंट रिजर्वेशन फॉर पर वीमेन कितना ये पचास परसेंट फिफ्टी परसेंट वन थर्ड तो इंडिया देती है लेकिन बिहार पचास परसेंट देता है पंचायती राज एक दो हज़ार छः के अंतर्गत मैंने बोला इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बीस परसेंट ई बी सी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है बीमेन में सॉरी बीस परसेंट ई बी सी कास्ट को दिया गया है और इसमें होरिजेंटल रिजर्वेशन दे दिया जाता है बीमे लोगों को ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा जैसे तो मान लीजिए बीस मतलब ई बी सी से चुन क्या रहे हैं ना तो मान लीजिए आपको फिफ्टी परसेंट चुनना है आपको किसको बीमेन को तो दस मेन प्लस दस वीमैन लेकिन ये वीमेन और मेन दोनों सब ई बी सी से रहेंगे इस टाइप का एक कंसेप्ट आप लोग ओरिजेंटल समझ सकते हैं एस सी एस टी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग दिए हैं ठीक है तो ये ध्यान रखना है देखिए मेन चीज है ना यहाँ पे पाँच साल इन लोग का ये समय रहता है जो भी मुखिया बने जो लोग भी बने वार्ड बने पाँच साल पंचायती राज में कोरम जो है ना ग्राम पंचायत का जितना भी है उसका हाफ होता है ठीक है स्पेशल बैठक में वन थर्ड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ देखिए ग्राम सभा जो आर्टिकल नंबर टू फोर्टी थ्री ई में है ए में ग्राम सभा के बारे में बी में उसको किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा वो है ए में ग्राम सभा ये याद रखिएगा आई में ये फाइनेंस कमीशन के में इलेक्शन डी में रिजर्वेशन ठीक है तीन मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दो मीटिंग के बीच में ऑल वोटर जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राम सभा के मेंबर हो जाते हैं वोटर तो वोटर कितने साल के हैं वोटर तो अठारह साल के हैं लेकिन अगर वोट में खड़ा होना है तो कितना चाहिए किस चाहिए ये ध्यान रखिए ये एक ये ग्राम सभा के लिए एक बटा ये याद रखिएगा ग्राम सभा के लिए एक सौ एक कोरम चाहिए मुखिया हेड होते हैं ठीक है उप मुखिया उन लोगों को उनके जस्ट नीचे जैसे से बाईस सी एम देखे ना उस तरह से ये बाईस मुखिया हेड है ये वार्ड मेंबर के द्वारा चुन लिया जाते हैं मुखिया और वार्ड मेंबर मिलकर इसको लॉटरी सिस्टम से चुनते हैं उप मुखिया को लॉटरी सिस्टम याद देखिए डिजोल्यूशन जो है ना यहाँ पे देखिए छ मंथ में इसको इलेक्शन करा लेना जैसे ही पंचायत ग्राम पंचायत ये खत्म हुआ मान लीजिए तो उसका इलेक्शन छो महीने के अंदर में कराना है बाई इलेक्शन टाइप का समझ सकते हैं रिजाइनेशन देखिए ना मुखिया जो है ना ये ऐसा नहीं कि उप मुखिया को देगा नहीं उप मुखिया मुखिया को दे सकते हैं लेकिन मुखिया जो है ना डी पी आर को देगा ये डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर होते हैं ठीक है डीपीआर ओ एक होते हैं बी पी आर ओ ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर ये बताएगा क्या बी पी आर ओ को दे सकते हैं क्या डी पी आर ओ को देते हैं ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ये बी पी आर ओ बी डी ओ आर डी ओ ये सब आप लोग तो बनते ही हैं बी पी एस सी से ग्राम कचहरी सबसे मेन चीज़ है इसका इलेक्शन इसका फंक्शन इसका रिजाइनेशन ये इस सब हम लोग को पढ़ना है जुडिशरी एक तरह से गांव लेवल पर बोल सकते हैं ये दोनों को सुनता है सिविल और क्रिमिनल सरपंच इसके हेड होते हैं और पंच लोग इनको मिलकर चुनते हैं तीन लेवल का हम लोगों ने देखा था ये इंटरमीडिएट लेवल पे देखिए ग्राम पंचायत पे है पंचायत समिति फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोग देखा पंचायत समिति का जो बात किया जाना ये हम लोग आगे देखेंगे ग्राम कचहरी पंचायत समिति ये हम लोग देख ही लिए थे ना ये आपको ग्राम कचहरी देखा था ना जुड़ी वाला में तो वही सारा चीज है पंचायत समिति हेड करते हैं इसको कौन बी जो कि अभी हम लोगों ने देखा ग्राम पंचायत जो कि आपको गांव लेवल पे है ब्लॉक लेवल पे आ जाना है तो पंचायत समिति है इसको हेड करेंगे बी ठीक है इसमें प्रमुख भी रहते हैं हेड बीस लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन किसी स्टेट का तो वहाँ पे पंचायत समिति बनाया सकता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पाँच हजार पॉपुलेशन पर ये बनता है कौन पंचायत समिति दो से ज़्यादा मंथ का गैप नहीं हो चाहिए मीटिंग में यहाँ पे तीन मंथ से ज़्यादा था ना कितना था यहाँ पे तीन मंथ से ज्यादा इसमें दो मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिला परिषद ये पचास हजार पॉपुलेशन ये पाँच हजार था ये पचास हजार है ठीक है तीन मंथ का गैप यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए बस यहाँ पे दो मंथ है नहीं तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद में तीन तीन मंथ का है चेयरमैन डिजाइन करेंगे किसको डीएम को अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो डीएम को कर देंगे डीपीआर नहीं डीएम तो यहाँ पे वाइस चेयरमैन जो है चेयरमैन को कर सकते हैं लेकिन चेयरमैन डीएम को करेंगे इस चीज़ को ध्यान रखना है ठीक है तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक्स देखिए ग्राम कचहरी के बारे में फिर से देख लेते हैं सरपंच होते हैं उप सरपंच लोग इनको मिलकर चुनते हैं वोट करके और इलेक्टेड जुडिशरी का क्रिमिनल और सिविल दोनों को सुनते हैं पाँच साल का इनका ये टाइम फ्रेम वगैरह रहता है तो ये देखिए अब हम लोग का दोस्तों पंचायत वाला जो चीज है ये हम लोग का यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया बस और लोकल बॉडीज बचा है उस थोड़ा सा करंट का टॉपिक्स देख लेंगे देखिए पंचायत इलेक्शन 2021 तो में हुआ था ये बहुत पुराना डाटा है ये इंपॉर्टेंट काम का नहीं है लेकिन ये देख लीजिएगा ना ये अभी लोकसभा के इलेक्शन कितना फेज में हुआ एक कमेंट बताएगा वीमेन से ज्यादा वोट पड़ा था मेन में अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें विमेन कहीं ज्यादा वोट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और एक समेरा ब्लॉक था ये इंपॉर्टेंट है नालंदा डिस्ट्रिक्ट का समेरा ब्लॉक उसमें आठ पंचायत की जो वीमेन हेड थी ना सभी हेड जो मुखिया था ना सब वीमेन हो गई थी किसके समेरा ब्लॉक के आठों पंचायत की हेड औरत थी अंठानवन परसेंट बनी थी पूरा अगर देखा जाए तो मेन थे अनुष्का जो है ना रिप्रेजेंटेटिव बनी थी बयालीसारंचायत कुछ से पंचायत पंचायत से आप नालंदा वाला ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना अभी जो है ना आपको लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें शाम्भी चौधरी सबसे यंगेस्ट बिहार से निकल कर आ रही है आपको पता है कि क्या से है क्या समस्तीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है क्या बताइए अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो है ना 2024 में होगा या जब भी होगा तो इसको आपको देख लेना है उसका डाटा वगैरह ठीक है न्यू कैबिनेट मान लीजिए बना 28 जनवरी 2024 को हम लोगों ने देखा ना नीतीश कुमार नौवी शपथ ले रहे हैं बीजेपी के साथ अलायंस बना लिए राजद का छोड़ दिए साथ ठीक है तो ये सब आप लोग देखते रहना है और एंटी डिफेक्शन लॉ जो मैंने बोला ये आ पार्टी चेंज के लिए आता है लेकिन कोलिस्टन गवर्नमेंट में इतना ज्यादा चेंज हो रहा है इसके लिए आएगा कुछ क्या आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा दो डिप्टी सीएम है ये ध्यान रखिए कि विजय कुमार सिन्हा एक, एक सम्राट चौधरी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है बजट सर्वे ये पास किए थे हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया बजट सर्वे इकोनॉमी आप देख सकते हैं बीमेन बीमेन डिप्टी सी बनी है क्या आपको रेणी देवी बताइएगा अभी जो है ना बीमेन अगर मिनिस्ट्री देखा जाए इसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री में तो रेणू देवी तो एनिमल एंड एन फिस्ट्री अभी संभाल रही है पहले ये बनी थी एक बार डिप्टी सीएम शीला कुमारी है ये ट्रांसपोर्टेशन वाला मिनिस्ट्री को संभाल -सी रही है लेसी सिंह है आपको फूड मिनिस्ट्री को संभाल रही है क्या अभी जो बिहार कैबिनेट का जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या तीन ही बीमेन है ये आप लोग को कमेंट में बताना है जो मैंने तीन नाम बताया रेणु देवी शीला कुमारी लेसी सिंह ठीक है चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं ना अर्बन लोकल बॉडीज ठीक है ये अर्बन लोकल बॉडी जो है ना यहाँ पे चौहत्तरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये उन्नीस सौ तिरानवे में आया है वो तिहत्तरवा था पंचायत वाला ठीक है ये चौहत्तरवा है तो ये ध्यान रखिएगा पहला जो है नॉर्मल लोकल बॉडी मुजफ्फरपुर में बना था इंडिया में अगर देखा जाए तो मद्रास में बना है ठीक है पटना म्यूसिपल कॉरपोरेशन का बात किया जाए तो उन्नीस सौ बावनवे बनता है कब उन्नीस सौ बावनवे पंद्रह अगस्त आज़ादी के दिन में नगर पंचायत है नगर होता है एक नगर परिषद होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी होता है ठीक है तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को अगर पूछा जाए कि म्यूंसिपल कॉरपोरेशन कितना डिस्ट्रिक्ट बिहार में है तो उन्नीस डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है उन्नीस दो ना अड़तीस अड़तीस डिस्ट्रिक हम लोग का सबसे लेटेस्ट वाला कौन है अरवल है क्या आप लोग बताइए यहाँ पे देखकर अरवल कहाँ से कट कर बनाता है जहानाबाद बना से बना है कि कहाँ से बताइए तो ये चीज़ है ठीक है अब देखिए यहाँ पे जो नगर पंचायत है ना छोटा छोटा टाउन टाइप का यहाँ पे नगर पंचायत बनाया जाता है ठीक है एक सौ चौवन नगर पंचायत है ट्रांजिशनल फेज पे है जो मतलब टाउन से सिटी में कन्वर्ट होने वाला है या गांव से थोड़ा शहर में चले गए हैं वो चेयरमैन इसके हेड रहते हैं ठीक है इलेक्टेड मेंबर इनका चुने जाते हैं बारह से चालीस बारह हज़ार से चालीस हज़ार का जो पॉपुलेशन हो जाएगा तो नगर पंचायत बना दिया जाएगा दस से पच्चीस वार्ड होते हैं कितना दस से पच्चीस वार्ड एक आप बताइएगा ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम कितना आपको पॉपुलेशन का जरूरत है ये आप लोग कमेंट बताएंगे ठीक है ये आपको बताना है ठीक है यहाँ पे देखें तो हम लोग पंचायत समिति के लिए पाँच हज़ार और पचास हज़ार जिला परिषद के लिए और उसमें कितना चाहिए ये आपको ग्राम पंचायत बनाने के लिए ठीक है ये बताना है आप लोगों को ठीक है अब देखिए नगर पंचायत के बाद नगर परिषद अट्ठासी है ठीक है थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा टाउन है तो उसको लिए चेयरमैन है उसमें भी होते हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं चालीस हज़ार से लेकर दो लाख के पॉपुलेशन के बीच में ये रखा जाता है और ये ज़्यादा बड़ा वाला सिटी में रहता है जैसे पटना म्यूंसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस टाइप का आप देख सकते हैं जैसे इस सिटी के लिए हो गया दस लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा वगैरह इस टाइप का हो या दो लाख से ज्यादा हो और ये दो लाख से चालीस के बीच में और चालीस से कम वाले में नगर पंचायत तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ठीक है और पच्चीस से पैंतालीस वार्ड्स वगैरह इसमें रहते हैं मेयर और चेयरमैन ये सब मेयर वगैरह का चुनाव अगर आप लोग देखते हैं ना तो ये ध्यान दे दीजिएगा एक बार मेयर का चुनाव वगैरह देखिए दोस्तों हम लोग का अपने अकॉर्डिंग मैंने पूरा टॉपिक जो है ना आपको जितना बिहार से रिलेट हो सकता है पॉलिटी उसको मैंने करा दिया बस करंट में कुछ कुछ है जैसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिल मांग रहा था लेकिन नहीं मिला लेकिन स्पेशल पैकेज मिला है तो बजट सर्वे का पार्ट हो जाता है वहाँ देख लीजिएगा लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ठीक है और मान लीजिए कि कुछ पॉलिसीज़ की में ये आप लोग थोड़ा सा अपने से खुद से कर लेंगे ठीक है चलिए हम लोग यहाँ पे अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं लोकसभा का इलेक्शन दो में जो हुआ ना अभी मोदी जी निकल कर आए आपको प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ बताइए क्या सबसे मतलब ये लार्जेस्ट पार्टी कौन निकल कर आया था पूरा ये तो नहीं मिला था बहुमत लेकिन वो मिलकर सरकार बनाए थे आपको एन फैक्टर न्यूज़ में देखने को मिला होगा नीतीश सरकार नीतीश कुमार चंद्र बाबू नायडू वगैरह तो इसलिए स्पेशल पैकेज का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह देखे थे तो बिहार का लोकसभा इलेक्शन में क्या क्या ये रहा सात फेज में ये लोकसभा इलेक्शन चला ठीक है यहाँ पे चौहत्तर विमेन एम पी यहाँ पे आपको इस बार के लोकसभा इलेक्शन में है इसके पहले अठहत्तर विमेन एम पी थे घट गया है ठीक है ये ध्यान रखिएगा अब देखिए बिहार से ना चार सौ संतानवे कैंडिडेट खड़े हुए हैं ये किसके लिए एम लोकसभा के लिए उनचालीस इसमें से बीमेन खड़ी थी ये कितने कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे ये है कितने बनेंगे वो तो बात का बात है विमेन का पार्टिसिपेशन देखा जाए ना उनसठ परसेंट मतलब एक अप्रोक्सीमेट लगाया जाए तो साठ परसेंट है और यहाँ पुरुष का देखा जाए तो तिरपन परसेंट है महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही है आपको दिमाग में सेट होना चाहिए अब देखिए सबसे हाईएस्ट वोटिंग जो है ना कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था तिरसठ पॉइंट सात छः कहाँ पर कटिहार वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरसठ पॉइंट सात छः और देखा जाए सबसे लोएस्ट तो नवादा में हुआ तैतालीस पॉइंट नवादा ये आप देख सकते हैं नवादा में सबसे कम यहाँ कटिहार में सबसे ज़्यादा सबसे कम लिटरेसी जो है ना पूर्णिया का है सबसे ज़्यादा रोहतास का है ये ध्यान रखिएगा थोड़ा तो सा वो भी रिवेज हो जाएगा बीच बीच में देखिए सबसे मेन है ना बीजेपी और जेडीयू लोकसभा इलेक्शन में अगर देखा जाए बिहार से तो 12 12 सीट दोनों बराबर जीती हैं अगर कोई क्वेश्चन में दे दे कि बीजेपी हैज मैक्सिमम आपको क्या एम फ्रॉम बिहार तो ये गलत हो जाएगा बारह बारह हैं और लोक जनशक्ति पार्टी ये पाँच है आर का चार है आर का कम है ठीक है पाँच लोक जनशक्ति पार्टी का एक इंडिपेंडेंट मेंबर भी थे ये ध्यान रखिएगा पप्पू यादव कहाँ से हैं पुनिया से है क्या, क्या? कमेंट बताइए और एक स्वाम्भ चौधरी तो सबसे इंगेस्ट बनी थी पच्चीस साल की एज में और लोग भी इंडिया से बने हैं लेकिन बिहार से यहीं है समस्तीपुर कॉन्स्टिचुएंसी से आती है लोक जनशक्ति पार्टी से ये लीड कर रही है जीताराम मांझी सबसे ओल्डेस्ट हैं ठीक है सेवेंटी नाइन ईयर्स में देख सकते हैं अस्सी साल के आसपास होने वाले हैं वीर कुंवर सिंह से रिलेट करिए अस्सी साल का पूरा फिर भी शेर है तो इस तरह से गया कॉन्स्टिचुएंसी से है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी से है ठीक है गया जीताराम मांझी गया इस तरह से कुछ बना लीजिएगा अस्सी साल के हो गए हैं टॉक्सिक कमेंट में याद करने के लिए ट्रिक बताया जा रहा है तो सांभी चौधरी आपको यंगेस्ट है समस्तीपुर से इससे सांभी इससे समस्तीपुर पी से पूर्णिया प से पप्पू यादव ठीक है और जीतन नामा जी गए गए से विमेन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे बीजेपी और जेडीयू का बारह बारह है सबसे ज़्यादा कटिहार सबसे कम नवादा इतना याद रखना है अब यहाँ पे हम लोग नोटा वगैरह देखें बत्तीस बूथ पे ना यहाँ पे बॉयकाट देखने को मिला था सबसे मेन था ककनाहा एक जगह है खकनाहा यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे ये यह देखने को मिल रहा है ये बायकाट दो तो हज़ार उन्नीस का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें भी हुआ था उसके बाद जो बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ उसमें भी हुआ दो का लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें भी ये सब बॉयकाट किया फिर भी वहाँ पे ये कोसी वाला जो बाढ़ वाला एरिया है ना वहाँ पे बहुत सारा इशू है फिर भी वहाँ पे टैकल नहीं किया जा रहा है ये ध्यान रखिएगा राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव ये जो है ना पूर्णिया कॉन्स्टिट्युएसी से हैं क्यों इसका नाम हम लोग ले रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं ना एम पी पाँच वीमन एम पी हैं बिहार से इन लोगों का नाम एकदम अपने दिमाग में रखेगा विमेन इम्पावरमेंट को लेकर पूछा जा सकता है लवली आनंद कहाँ से, है? से हैं शिवर से हैं शाम्भ चौधरी ये तो इंपॉर्टेंट हैं ये ये आपको समस्तीपुर से इनको तो रेड कर लीजिए आप लोग शाम्भ चौधरी का नाम आपको याद रखना है एक है बीना देवी ये बी से बीना बी से वैशाली ये वैशाली बज्जी संघ है क्या बताइए लिच्छवी यहीं था क्या पहला ये आपको रिपब्लिक इन द वर्ल्ड ये बताना है आप लोगों को तो ये आपको यहाँ पे जो हाजीपुर वैशाली वाला एरिया है ना यहीं पे वजी संघ था ये मुंगेर और ये यहाँ पे चंपा अंग वाला राज्य ये था और इधर आपको मगध था तो ये तीन आपको था बिहार में महाजनपद यहाँ पे हम लोग थोड़ा हिस्ट्री भी रिवाइज कर लिए एक है मीसा भारती पाटलिपुत्रा से है। कौन मीस भारती मीसा भारती जो भी बोलिए एक है श्री विजय लक्ष्मी देवी ठीक है ये है सिवान कंस्टिचुएंसी से कहाँ से सीवान से विजय लक्ष्मी देवी सिवान वाला एरिया आप देख सकते हैं ये सिवान सारण ये सिवान है यूपी से बॉर्डर टच करते रहता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ठीक है दोस्तों अब देखेंगे ना जो कैबिनेट मिनिस्टर बना मोदी जी का मोदी कौन सा थ्री पॉइंट जीरो बना के कौन सा बना बताइए तो उसमें ना हम लोग का बिहार से चार जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गया ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है और चार जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं टोटल आठ लोग बने हैं ठीक है चार दो ना आठ नोटा वोट पड़ा था दो परसेंट के आसपास दो पॉइंट जीरो साल वोपालगंज में सबसे ज़्यादा नोटा और सबसे कम आपको पटना में पड़ा था इसका आप पी वाई देखिएगा ना तो ये आपको ये क्रिटेरिया का सॉरी पी वाई क्यू बोला करेंट अफेयर में भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है कास्ट सेंसस हो गया ये हो गया आपको एन एफ का डाटा हो गया ठीक है सर्वे हो गया ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अवार्ड हो गया स्पोर्ट्स हो गया ठीक है तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी कर सकते हैं आप लोग थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाए ठीक है क्या बोला जा रहा है कि बोला जाएगा लोकसभा इलेक्शन जो हुआ उसमें बिहार के बारे में शाम्भू चौधरी सबसे यंगेस्ट एम्पी है क्या जमुई से है तो ये गलत है हम लोगों ने देखा ना अभी ये कहाँ से है समस्तीपुर से है राजद को चार सीट मिला है क्या तो हाँ राजद को चार सीट मिला है बीजेपी जे को बारह बारह मिला है लोक जनशक्ति पार्टी को पाँच मिला है ठीक है और एक इंडिपेंडेंट थे दो नहीं एक है तो ये आपको पहला तीसरा गलत दूसरा वाला क्यों सही तो बी आंसर हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखा था कौन सा ये शाम्भू चौधरी समस्तीपुर से ठीक है और ये राजद को चार मिला था लोक जनसद को पाँच और बीजेपी इसको जे को बारह बारह ठीक है सबसे ज़्यादा कटिहार सबसे कम नवादा और इसमें एक और चीज़ था ना एक इंडिपेंडेंट एमपी पी तो हम लोगों ने देखा था ना पप्पू यादव पी से पूर्णिया तो ये यहाँ पे हो गया नोटा वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको कहीं ना कहीं इसमें देखिएगा जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा ठीक है और हम लोग पी आई क्यू भी देखेंगे बिहार पोलिटिका तो देखिए यहाँ पे जो चार कैबिनेट मिनिस्टर है न, सबसे जीता ना सबसे मैंने जीतन राम मांझी सबसे ओल्डेस्ट जो है ना आपको गया कंस्टिट्युएंसी से वो है हिंदुस्तानी आवाज पार्टी से है एमएसएमई मिनिस्ट्री इनको मिल गया ठीक है एक है ललन सिंह जिनको राजीव रंजन में बोला जा रहा है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एनिमल हस्बेंड्री वाला है मिला है इनको ये कैबिनेट मिनिस्टर है ये याद रखिएगा कैबिनेट एक किचन कैबिनेट चलता था बताइएगा उन इनके शासन काल से चला रहा है क्या इंदिरा गांधी के शासन से काल से किचन कैबिनेट नाम पड़ा गया एक है आपको गिरिराज सिंह इनका नाम तो बहुत फेमस है ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लिए हैं चिराग पासवान ये आपको इनके पासवान के बेटे हैं बताइए इन पे पी आई क्यू भी आ चुका है इनके पापा पे राम रामविलास पासवान है क्या बताइए फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान ठीक है चिराग कब जलेगा भोजन वोजन खाइए तभी ना पानी भोजन, 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 भोजन पानी तो चाहिए जीवन के लिए तो चिराग जलाइए गिरिराज सिंह टेक्सटाइल हैं ठीक है कपड़ा वगैरह ललन सिंह राजीव रंजन ये पंचायती राज वाले हैं और एम एस एम ई जीतानाम मांझी एम से मांझी एम से एम एस एम ई जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं कौन मांझी थे बताइए दशरथ मांझी हैं क्या तो इस तरह से रिलेट करते चलिए देखिए चार मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट बने रामनाथ ठाकुर जी हैं जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सतीश चंद्र दुबे कोयला और मिनिस्ट माइन्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री मिला है देखिए कोयला वाला ये सब झारखंड वगैरह एरिया में है लेकिन बने कौन है बिहार से नित्यानंद राय ये होम मिनिस्ट्री मिला है ये स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट में राजभूषण चौधरी जल शक्ति मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाला मिला है तो ये लोग का नाम उतना याद नहीं रहा है लेकिन ये लोग का नाम एकदम याद रखिएगा हो सके कोई भी ये अगर उठ पटांग सेट का क्वेश्चन सेटर बन जाए तो ये बना सकता है ठीक है यहां पर हम लोग कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट में हम लोग ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह करेंगे हम लोग दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बिहार ये ओवरव्यू वाला कुछ टॉपिक देख लिया लेजिस्लेचर में हम लोगों ने विधानसभा विधान परिषद देखा ठीक है एक्सिक्यूट में गवर्नर सीएम ये सब हम लोगों ने देख लिया उसके अनुसार जुड़चेरी में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्राम कचहरी सब देखा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बीपीएससी इलेक्शन कमीशन लोकायुक्त ये स्टेट वुमन राइट कमीशन वीमेन का ये सब हम लोग देख लिया पंचायती राज और लोकल बॉडी ठीक है ये बहुत सारा स्पेशल कैटेगरी का ये स्कीम पॉलिसी कुछ कुछ हम लोग करंट में जब करेंगे तो देख लेंगे इलेक्शन का लोकसभा इलेक्शन देख लिया पंचायती इलेक्शन वगैरह देख लिया ठीक है अभी मिनिस्ट्री बनाया ये नीतीश कुमार का नॉवी वो भी देख लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए आपको तो नहीं मिला था लेकिन बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मिला था कितना मिला ये बताइएगा और एक महाबोधि आपको कॉरिडोर टेम्पल वाला जो है और विष्णु विष्णुपाट टेम्पल ये कहाँ पे ये बताइएगा उसके लिए डेवलपमेंट के लिए मिला है और रोड को डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला है ये ध्यान रखिएगा कितना मिला है छप्पन हज़ार की कितना करोड़ मिला बताइए देखिए तो इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन भी हम लोग पी करेंगे इसमें देखिए ये चाणक्य और बिहार ऑलरेडी कराया गया आप लोग को मिल जाएगा वीडियो चाणक्य और बिहार किसको बोलते हैं तो नीतीश कुमार को ही बोलते हैं ये क्यों बोलते हैं ये बताइएगा क्योंकि कभी बीजेपी के साथ रहते हैं कभी राजद के साथ रहते हैं लेकिन मिनिस्टर यहीं रहते हैं ये ध्यान रखें नौवीं बार मिनिस्टर बन चुके हैं अब देखिए ये सब कुछ गवर्नर ऑफ़ बिहार कौन है चीफ जस्टिस बिहार के कौन है चीफ मिनिस्टर कौन है ये सब पूछा गया देख सकते हैं लेटेस्ट दो में सड़सठ और बी पी एग्जाम का है इस तरह का आपको डाटा ये सब मैंने बता दिया याद होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन जैसे दो का है अभी चौबीस वाला डाटा पूछा जा सकता है ये जैसे रघुमंश प्रसाद सिंह थे ये पहली बार किस लोकसभा इलेक्शन से निकल कर आए थे तो वह इलेवेंथ लोकसभा था ये सब उस समय का न्यूज़ था अभी हम लोग ने देख लिया बता दिया जीतन राम जी ये सब समस्तीपुर शामी चौधरी ये सब न्यूज़ में है उस तरह से आप लोग ये कौन कौन सीट है कब कब है ये सब देखते रहिएगा इंडियन गवर्नर पहले कौन थे तो ये कौन थे बताइए सत्येंद्र प्रसा सिन्हा है क्या तो ये आंसर होगा ठीक है सत्येंद्र प्रसा सिन्हा पहले थे उन्नीस सौ बीस इक्कीस में इंडिया बिहार के सभी के थे तो उसी समय इस तरफ हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे ठीक है बिहार झारखंड तो अब अलग हो गया है बिहार से देखिए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन थे तो ये बहुत लोग थे इसमें आपको राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, और जगजीवन राम थे भी ठीक है ये सब ध्यान रखना है तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लिए दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग जियोग्राफी और इकोनॉमी वगैरह करेंगे तो मिलते हैं पीवाईक्यू वगैरह सब है देखिए सबसे मैंने ओवरव्यू हम लोगों ने पूरा करा दिया ठीक है पॉलिटी करा दिया हिस्ट्री का पूरा वीडियो डाला गया है ठीक है ये हो गया कास्ट सेंसस मतलब कि जो सर्वे हुआ है वो भी है सेंसस भी है इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट भी हम लोग करा देंगे ये सब करंट भी करा रहे हैं तो इस तरह से अब पी भी करा दिए हैं तो एक तरह से आपको बिहार कंप्लीट हम लोग पूरा करा रहे हैं ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों